छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। बीजापुर में एक अन्य घटना हुई है जहां एसटीएफ के 2 जवान आईईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। 4 जवान घायल हुए हैं, वे सभी खतरे से बाहर भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी घटनाएं जल्द बंद होगी और पूरे बस्तर में शांति की स्थापना होगी। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है, उनको चोट आई है परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे एसटीएफ के 2 जवान कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं और शहीद सत्येंद्र सिंह जी जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन नेतृत्व बड़ा है, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी और समूचे बस्तर में शांति।